नमस्कार, प्रणाम। बिंद धारा को प्रणाम करता हूँ, सभी बिंदवासियों को प्रणाम करता हूँ। आज वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आप लोगों से बात करने के लिए मैं सामने आया हूँ। हमारे मंच में बैठे हुए सम्माननीय सुधाकर सिंह जी, छत्तू भैया, राजेश दुबे जी, शास्त्री जी, दिलीप जी, सूर्यप्रकाश चौरसिया जी, के जी, हमारे सम्माननीय सदार जी, और इस माध्यम से जितने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम आदि में जुड़े हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और बिंद के तमाम महापुरुषों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने बिंद की नींव को एक मजबूती प्रदान की। हमारे स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी, स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी, श्री तिवारी जी, हमारे लाल पद्मधर सिंह जी, रणमत सिंह जी, हमारे गोविंद नारायण सिंह जी, हमारे सम्माननीय इंद्रजीत पटेल साहब, पंडित गुलशेर अहमद जी, हमारे जो ये महापुरुष हैं उन सबको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज हमारी सतना में बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण को लेकर बीटीआई ग्राउंड में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, पर कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए हमें भी लगा कि इस बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, हमारा क्षेत्र भी इससे प्रभावित न हो। प्रदेश सरकार के द्वारा भी कहीं न कहीं परमिशन देने में कुछ अड़चनें आईं, वो भी एक राजनीतिक कारण था। इसके बाद भी हम लोग तय कर चुके थे कि इस सभा को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे बिंद में ये बीमारी ना पाए, माई शारदा से प्रार्थना करते हैं। परंतु जो सरकार के द्वारा स्थितियां बनाई गई, जो इसको रोकने का प्रयास किया गया, मुझे कभी कभी लगता है कि जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं जाता, जहां उनकी अपनी सभाएं करना है वहां कोरोना नहीं जाता, परंतु जहां कोई ऐसी आवाज़ उठती है जो कहीं के क्षेत्र हित में हो, प्रदेश के हित में हो, देश के हित में हो, जो सरकार को बताने का प्रयास किया जा रहा हो, जैसे बिंद के पुनर्निर्माण के लिए हमने एक माह से लगातार एक एक गांव में जाने का काम किया, गरीब मजदूरों के पास जाने का काम किया, युवाओं के बीच में जाने का काम किया, छात्र छात्राओं के बीच में जाने का काम किया, गए कॉलेज गए, तमाम सभी से आग्रह और निवेदन किए कि आपको इस अभियान में जुड़ना है, बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कराना है, इसलिए कि हमारा बिंद प्रदेश पहले से था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष, उनकी मंशा थी कि छोटे राज्य बनेंगे, उस राज्य का विकास होगा। हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे अमित शाह जी गृहमंत्री जी हैं। अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए बिंद प्रदेश जो था उसके पुनर्निर्माण को लेकर बिंद का एक एक आदमी कहीं न कहीं उद्वेलित है, उसके मन में है कि हमारा बिंद सक्षम है। हमारे पास खजुराहो का अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है, हमारे पास पन्ना का हिंदुस्तान में डायमंड है, हमारे पास ओरछा का राम राजा का धाम है, हमारे पास चित्रकूट जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जो तपोभूमि कहलाती वो स्थान है, हमारे पास माई शारदा का धाम है, हमारे पास टूरिज्म प्लेस में जो यह हमारे टूरिज्म प्लेस जो है भरूत पहली शताब्दी का है, हमारे पास मैहर में मनौरा और मड़ई का सातवीं और नौवीं शताब्दी का है, हमारे पास पन्ना रिजर्व टाइगर है, हमारे पास बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, हमारे पास मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर जो हिंदुस्तान की पहचान है वो है, हमारे पास सतना और रीवा में सीमेंट उद्योग है, हमारे पास सिंगरौली में 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जहां बिंद में सबसे ज़्यादा बिजली का बिल भी देना पड़ता है, हमारे रीवा में सौर ऊर्जा का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है, हमारे पास शहडोल, उमरिया, अनूपपुर कोयले का प्रचुर भंडार है जो पूरे देश में जाता है, हमारे पास छतरपुर ग्रेनाइट का भंडार है,
हमारे पास तमाम ये संपदाओं के बाद हमारा मैहर देवी धाम बाबा अलाउद्दीन की नगरी है, संगीत सम्राट तानसेन की नगरी है, आला की तपोभूमि है, हमारे पास सब कुछ भरा पड़ा है। हम इस बिंद को टूरिज्म प्लेस बनाकर टूरिस्टों को हिंदुस्तान नहीं आना है, समृद्ध भारत मोदी जी का सपना है, आत्मनिर्भर भारत। तो हम इस बिंद को टूरिज्म के दम पर आत्मनिर्भर बिंद, समृद्ध बिंद बना सकते हैं और एक प्रदेश को गोद लेके उसका भी विकास कर सकते हैं। हमारे साथ बिंद के साथ कहीं ना कहीं छल हुआ, कपट हुआ, धोखा किया गया, जिसके चलते अब बिंद का आदमी जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है, उसे लगने लगा है कि हमारे बच्चों को यदि पढ़ाई पढ़ाना है तो हमें इंदौर भेजना है, ग्वालियर भेजना है, भोपाल भेजना है। हमारे बिंद में कोई IIM IIT या तमाम उच्च स्तरीय स्कूल कॉलेज ऐसे नहीं है जहां विश्वास के साथ हम बच्चों को पढ़ा सके। हमारे बिंद में कोई मेडिकल की वो सुविधा नहीं है कि जो हम विश्वास के साथ दवा करा सके, हमें दवाई कराना है तो नागपुर मंडी जाना पड़ता है। हमारे यहाँ सड़कों की जो स्थितियाँ हैं, खजुराहो से लेके सतना, सतना से लेके रीवा, रीवा से लेकर सीधी सड़कें जो है बिल्कुल जर्जर है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें अब लगता है कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा 2000 में प्रस्ताव पारित किया गया, भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष अटल जी का, छोटे राज्यों की परिकल्पना जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड स्टेट बनाए गए और तीनों स्टेट का विकास हुआ। हम उसी के आधार पर पूरे बिंदवासियों से अपील करते हैं कि ये कल आज की मीटिंग सतना की जो रोका गया, रोकने का प्रयास किया गया कोरोना का भय बताकर, हम कहना चाहेंगे कि इस कोरोना के भय से हम भी तमाम युवाओं को और बिंद के एक एक आदमी से अपील करते हैं कि सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, इस महामारी के जंग को जीतें। पर इसके अलावा जिस नीति से इस महारैली को रोकने का प्रयास किया गया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब बिंद का आदमी जागृत हो गया है, जागरूक हो गया है। जितना रोकेंगे उतना आगे बिंद का आदमी जाएगा, उतना संगठित होगा। हम गांव-गांव जाएंगे, गली रोका गया, आज के बाद लगातार हमारा ये दौड़ा चालू होगा। पूरे बुंदेलखंड जो ज्वाइंट है, मैं 27 तारीख को पन्ना और छतरपुर भी जा रहा हूँ, वहाँ की भी हम तैयारी करेंगे। रोका नहीं गया, स्थगित किया गया है। कोरोना का जब दौर खत्म होगा तो और बड़ी ताकत से जो हमारा युवा, इस सतना जिले का युवा 30,000 से 40,000 मोटरसाइकिल की रैली का जो प्लान किया था, मैं उन युवाओं को भी धन्यवाद दूंगा। और मैं इसी तरह सतना की तर्ज पर पूरे बिंद के एक एक जिले पर, एक एक तहसील पर कार्यक्रम करेंगे और युवाओं से अपील करेंगे, छात्रों से अपील करेंगे कि मोटरसाइकिल रैली का इतिहास बनाना है। अब जब सतना में कोरोना का अंत होगा तब हमारा युवा 50,000 से 1,00,000 मोटरसाइकिल की तैयारी करेगा। एक एक गांव में जाएंगे और एक एक गांव की मोटरसाइकिल की लिस्ट बनाएंगे और 1,00,000 मोटरसाइकिल की रैली इस सतना में दिखाकर इस हिंदुस्तान की मोटरसाइकिल की रैली का इतिहास भी बनाने का काम करेंगे। हमें जितना रोका जाएगा उससे बेहतर परिणाम हमारे बिंद का आदमी अपने बिंद को बनाने के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए पूरी ताकत से संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ेगा और इस जंग को जीतेगा। फिर मैं युवाओं से अपील करूंगा, छात्रों से अपील करूंगा, तमाम हमारे जो मजदूर भाई उनसे अपील करूंगा, किसानों से अपील करूंगा। आज हमारे किसान की जो दुर्गत है, यदि बाढ़ सागर का पानी जब बिहार जा सकता है, छत्तीसगढ़ जा सकता है, बिहार जा सकता है, झारखंड जा सकता है, तो वो बाढ़ सागर का पानी यदि सतना जिला आ जाए तो सतना जिला का किसान आत्मनिर्भर समृद्ध किसान कहलाएगा। और किसान जब सक्षम हो जाएगा तो वहाँ का जो मजदूर होगा उसको काम मिलेगा और वो अपने गांव में रहकर काम करेगा। उसी तरह बरगी का पानी, बरगी का पानी दो बार क्वेश्चन लगाया, पहली बार मुझे बोला गया कि 2008 में पानी चला जाएगा, नहीं आया पानी, फिर हम 8 में लगाए तो बोला गया 14 में जाएगा, ये 21 चल रहा है पर वो भी पानी यहाँ नहीं आ पा रहा। ये हमारे बिंद के साथ
कहीं न कहीं द्वेषतापूर्ण कार्य है। मैं एक और अभी तत्काल का प्रमाण देता हूँ, दतिया का मेडिकल कॉलेज और सतना का मेडिकल कॉलेज एक साथ घोषित किया गया, दतिया का बनकर तैयार हो गया और सतना का जस का तस पड़ा हुआ है। हमारे बिंद में जिस तरह से बोला गया था कि रीवा को राजधानी का दर्जा दिया जाएगा, रीवा में स्टेट की प्रमुख इकाइयों का को स्थापित किया जाएगा। प्रमुख इकाइयाँ हेल्थ की होती है, सड़क की होती है, सिंचाई की होती है, दवाई की होती है, पढ़ाई की होती है, कानून की होती है। कोई प्रमुख इकाइयाँ इस रीवा में नहीं है। यदि ये प्रमुख इकाइयाँ रीवा में होती तो हम हेल्थ की दृष्टि में ठीक होते, सिंचाई की दृष्टि में ठीक होते, हमारा जो युवा उस युवा को खेल कूद के अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड मिले होते। ये तमाम सुविधाओं से बिंद का एक एक आदमी वंचित है। युवा, हमारा युवा जो है किस तरह घर द्वार बेच के खेत बाड़ी गिरवी रख के बैंक से लोन लेकर पढ़ तो लेता है पर पढ़ाई के बाद उनके लिए कोई रोजगार के अवसर नहीं होते। यदि बिंद का पुनर्निर्माण हो जाए तो कम से कम हमारे बिंद का 1,00,000 युवा को सरकारी नौकरी मिलेगी, इस बात का दावा करता हूँ। इसके साथ ही हमारा जो बिंद का पूरा गरीब मजदूर भटकता रहता पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ पेट पालने के लिए, हमारा बिंद सक्षम है। सिंगरौली, ये सीमेंट प्लांट, ये कोयले का उद्योग, ये तमाम जगहों पर यदि बिंद के लोगों को मजदूरी करने का भी मौका दे दिया जाए तो यहाँ के गरीब लोगों की जो दुर्दशा है वो बेहतर स्थिति में आ जाएगी। हमारा बिंद सिंगरौली है, जो बताया कोयले का प्रचुर भंडार, हमारे शहडोल उमरिया अनूपपुर है, सतना रीवा सीमेंट उद्योग है, इनका जो टैक्स आता है वो टैक्स यदि हमारे जिले में विकास में लग जाए, वो पैसा यदि बाहर न जाए, वो पैसा सिर्फ विकास में लग जाए तो हमारे बिंद का कायाकल्प हो जाएगा। परंतु जिस तरह हमारे साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है, अब बिंद का कोई भी आदमी शांत नहीं बैठेगा, ये लड़ाई बड़ी ताकत के साथ लड़ेगा और बिंद बुंदेलखंड का पुनरोदय फिर बिंद के पुनर्निर्माण के साथ होगा। और बिंद का जो हम एक कल्पना कर रहे हैं कि हम रीवा हमारी राजधानी होगी, रीवा में सभी प्रमुख इकाइयाँ होंगी, वहाँ पर बिंद का मुख्यमंत्री बनेगा। बिंद का मुख्यमंत्री होता है हर हाल में, अपने अपने क्षेत्र का कहीं ना कहीं दिल में एक भावनात्मक लगाव होता है। हमारे ग्वालियर तरफ से बनते वहाँ का विकास हुआ, मारवाड़ी भारत से बनते मुख्यमंत्री वहाँ का विकास हुआ। हमारे बिंद का जब कोई बनेगा तो वो जानेगा कि सतना कहाँ है, ओरछा कहाँ है, पन्ना कहाँ है, छतरपुर कहाँ है, यहाँ परेशानियाँ क्या है, यहाँ कमियाँ क्या है, यहाँ रोड कहाँ नहीं है, दवाई की व्यवस्था कहाँ नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। मैं सतना की बात करता हूँ, सतना में हमारा डिग्री कॉलेज गहिरा नाला, 13,000-14,000 बच्चे हैं, बैठने की जगह नहीं है, कोई वहाँ जितने प्रोफेसर हैं सबको मॉनिटर कर नहीं सकते। मैं गर्ल्स कॉलेज गया, 9,000 बच्चियाँ हैं, दो कॉलेज है सतना डिग्री सतना में, एक गर्ल्स कॉलेज एक बॉयज कॉलेज डिग्री कॉलेज गहिरा नाला। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पा रहे, हम दवाई नहीं दे पा रहे, कैसे बिंद का आदमी मौन बैठ सकता है, कैसे शांत रह सकता है। मेरी सभी लोगों से अपील है, प्रार्थना है, एक एक गांव के लोगों से निवेदन है, कारण जो 18 अप्रैल कार्यक्रम रखा गया था उस कार्यक्रम को भी हम स्थगित कर चुके हैं। इसके बाद हमारा सिंगरौली था, फिर रीवा था, फिर भोपाल राजधानी, फिर दिल्ली। हम तय कर चुके कि जब तक कोरोना है तब तक यह आंदोलन हम बंद रखेंगे, पर हमारा घर घर तक का आंदोलन जारी रहेगा, एक एक गांव तक, एक एक गली तक। हमारे यहाँ कमियाँ क्या है, गड़बड़ियाँ क्या है, उन सबको हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लोगों को जागृत करेंगे। अब मेरे पास सिर्फ इतना ही काम है, मेरी राजनीति बिंद के पुनर्निर्माण के लिए है। मैं बिंदवासियों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग जाति भूल जाएं और दल भूल जाएं, सिर्फ बिंद की एक जाति है बिंद प्रदेश, और बिंद की का एक दल है बिंद प्रदेश। ये तय कर लेंगे तो 2023 और 24 के अंदर बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करा लेंगे, और बिंद के पुनर्निर्माण कराने के बाद ही हम सुख शांत चैन से बैठेंगे। नहीं, जब तक बिंद का पुनर्निर्माण नहीं होगा तो ना सोएंगे ना सोने देंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सब लोग जागरूक हो जाएं, एक साथ तैयार हो जाएं, आप लोगों के पास क्रमशः पहुंचेंगे, से आशीर्वाद लेंगे, किसान भाइयों से, बुजुर्गों से, हमारे व्यापारी भाइयों से सबसे ऐसा सबसे आशीर्वाद सहयोग लेते हुए युवाओं
और छात्रों के हवाले इस आंदोलन को करूंगा, लगातार आपके साथ चलूंगा। सब लोग इस संघर्ष में भागीदारी निभाएंगे और विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे। आप सबको धन्यवाद, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय विंध्य, जय जय विंध्य प्रदेश, जय जय विंध्य प्रदेश, जय जय विंध्य प्रदेश।